के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। कुपवाड़ा में आतंकवादियों की घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम। सेना ने सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को मार गिराया। उड़ता पंजाब फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई टालने के बाद मामले को सुनने के लिए तैयार हुआ कोर्ट। याचिका पर आज ही होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। कहा, फोबिया के शिकार हुए मुख्यमंत्री। 21 विधायकों की सदस्यता के मामले में केजरीवाल ने मोदी पर साधा था निशाना। जाट आरक्षण के लिए आज से उकलाना में धरना प्रदर्शन शुरू। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की भी मांग। और पाकिस्तान को सता रहा है दाऊद और हाफिज सईद के पकड़े जाने का डर। भारत के इरादों का हवाला देकर सुरक्षा तंत्र को किया आगाह। भारत अमेरिका मित्रता से बड़ी घबराहट। और आप देखते हैं आज की पांच बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट उड़ता पंजाब केस की सुनवाई टालने के बाद उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब फिल्म पर स्टे लगाने की मांग की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई। इससे पहले सुनवाई टालते वक्त कोर्ट ने तर्क दिया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच को नहीं दिया गया। पंजाब के एक गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन ने कल उड़ता पंजाब की रिलीज रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। एनजीओ का मानना है कि फिल्म इस उत्पादक राज्य की छवि धूमिल करती है। सेंसर बोर्ड के साथ काफी दिन तक विवाद में फंसी रही उड़ता पंजाब की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लंबी चली लड़ाई के बाद रिलीज होने के सिर्फ दो दिन पहले अब उड़ता पंजाब इंटरनेट पर लीक हो गई है। ये बात फिल्म निर्माताओं ने मुंबई पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत में कही है। फैंटम फिल्म्स ने साइबर क्राइम सेल के पास कल रात को कॉपीराइट चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उनका मानना है कि फिल्म की सेंसर बोर्ड को सौंपी गई प्रति किसी तरह विभिन्न टोरेंट साइटों पर पहुंच गई है, जो किसी भी फिल्म को गैर कानूनी ढंग से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फोबिया हो गया है। ये आरोप बीजेपी ने केजरीवाल के हमलों के जवाब में लगाया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल की नामंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के निशाने पर है। इस बिल की नामंजूरी से 21 आप विधायकों की सदस्यता खत्म हो रही है। केजरीवाल ने इस पर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किल ना खड़ी करें। आपकी लड़ाई मुझसे है, मुझसे जितना बदला लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन दिल्ली में अच्छे काम रोकने की कोशिश मत कीजिए। अब बीजेपी ने कहा कि ये केजरीवाल की निराशा बोल रही है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को प्रवक्ता पद से 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि अलका पर यह कार्रवाई पिछले दिनों गोपाल राय के परिवहन मंत्रालय छोड़ने के बाद उनके बयान को लेकर की गई है। अलका ने पहले जहां मामले में ट्वीट कर पश्चाताप की बात की थी, वही अब उनका कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। अलका लांबा ने मामले में ट्वीट कर खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया। अलका लांबा इससे पहले भी कई बार अपने बयानों से पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। सूत्र बताते हैं कि अलका को फिलहाल 2 महीने के लिए पार्टी प्रवक्ता के पद से निलंबित किया गया है। ऐसे में बाद में इस पद पर उनकी वापसी लगभग तय है। बीजेपी नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। गुप्ता ने गुरुवार को ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें आपके विधायकों की शैक्षणिक योग्यता का जिक्र है। गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पढ़े लिखे विधायकों का रियलिटी चेक। इसके साथ जारी सूची में आपके जिन 23 विधायकों का जिक्र है, उनसे भी कोई 12वीं पास से अधिक नहीं है, जबकि त्रिनगर से विधायक नरेंद्र तोमर की डिग्री को फर्जी बताया गया है। फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हासिल करने की दिशा में बढ़ने का जिक्र करते हुए चीन के आधिकारिक मीडिया ने आज कहा कि यदि नई दिल्ली को इस विशिष्ट समूह में प्रवेश किया जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का परमाणु संतुलन बिगड़ जाएगा। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि NSG में भारत का प्रवेश दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को हिला देगा और साथ ही से पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर संकट के बादल भी मंडराने लगेंगे। हालांकि इस लेख में ये भी कहा गया कि चीन 48 सदस्यों वाले परमाणु क्लब में भारत को शामिल किए जाने का स्वागत कर सकता है, बशर्त ये नियमों के साथ हो। पाकिस्तान को दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगनाओं के दबोचे जाने का खतरा सताने लगा है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारत के इरादों का हवाला देकर अपने सुरक्षा तंत्र को आगाह किया है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इन दोनों आतंकवादियों की सुरक्षा निगरानी भी बढ़ाई है।
भारत की खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक भारत की अमेरिका के साथ आतंकवादी निगरानी केंद्र में भागीदारी से पाकिस्तानी बौखला गया है। पाकिस्तानी एजेंसियां इस बात से परेशान है कि नई साझेदारी से उनकी भारत में आतंक परोसने की नीतियों पर लगाम कसी जा सकती है, खास तौर पर दाऊद और हाफिज जैसे आतंकियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिका संबंधी विवाद को लेकर कल रात आगामी चुनाव राज्य पंजाब में पार्टी प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिन्होंने उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर किया और उन्हें पार्टी महासचिव पद से मुक्त कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि वो पिछले कुछ दिन में नई दिल्ली में 1984 के दर्दनाक दंगों को लेकर पैदा गैर जरूरी विवाद से जुड़े घटनाक्रम से आहत है। उन्होंने ये कदम ऐसे समय उठाया जब अकाली दल, बीजेपी और आप ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ की कथित भूमिका को लेकर उन पर और कांग्रेस पर हमला साधा। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के आरोपों की तस्दीक करने पहुंची पार्टी की 9 सदस्यीय टीम ने कहा कि मुस्लिम कैराना पर कब्जा कर रहे हैं। टीम के सदस्यों ने कहा कि कैराना के हिंदुओं की दशा कश्मीरी पंडितों से अलग नहीं है। पिछले 4 साल में बड़ी संख्या में कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ है। उनके मुताबिक राज्य सरकार की सरपरस्ती में गैंगस्टर्स पैसों के लिए लोगों को गोली मारते रहते हैं। टीम के सदस्यों के अनुसार ये गुंडे जेल में हैं, लेकिन वे मोबाइल के जरिए रंगदारी का धंधा कंट्रोल करते हैं। हिंदू व्यापारी ने हमें बताया कि उनके पास कैराना से भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर सियासत गर्माई हुई है। बीजेपी के जांच दल के बाद आज जेडीयू, सीपीएम और एनसीपी समेत 5 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल कैराना जाएगा, जहां स्थानीय लोगों से बातचीत में पलायन के पीछे की असलियत का पता लगाएंगे। सिविल सोसाइटी की एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। कराना जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू सांसद केसी त्यागी, सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम, आरजेडी नेता मनोज झा और एनसीपी के डीपी त्रिपाठी होंगे। इशरत जहां एनकाउंटर केस में गायब कागजातों की जांच का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी बीके प्रसाद की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। उन पर गवाहों को अपने मन मुताबिक जवाब देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक प्रसाद ने गवाह को बल्कि ये भी बताया कि उसे जवाब क्या देना है कि उसने कोई कागजात नहीं देखे। जांच का नेतृत्व कर रहे अधिकारी की ये कोचिंग लोकसभा में 10 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित की गई जांच पर सवाल खड़े करती है। प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी, जिसमें गायब कागजात पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जाटों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने, जाट आंदोलन के दौरान मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग को लेकर जाटों के मैयड़ समेत राज्य के अन्य हिस्सों में जारी धरनों को समर्थन बढ़ाने के साथ ही उन्होंने अब हिसार जिले के उकलाना में 16 जून से एक और धरना शुरू करने का फैसला किया है। उकलाना में पहले 17 जून से धरना शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जाट समाज के लोगों के बढ़ते रोष और मांग को देखते हुए ये धरना आज से ही शुरू कर दिया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।